चली को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं चले जाना को आप गो कह सकते हैं और चलना यानी किसी चीज का स्टार्ट होना को भी हम चलना कह सकते हैं तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट तो जिसका इस्तेमाल जो है चला गया या चली गई के लिए किया जा सकता है इसके अलावा किसी चीज का स्टार्ट हो जाना को चलना कहते हैं तो उसको आप स्टार्टेड कह सकते हैं एस टी ए आर टी डी स्टार्टेड जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने चली गई है तो आप कह सकते हैं शी हेज गोन ऑन वोकेशन टू द बीच शी हेज गोन ऑन वोकेशन टू द बीच या अगर आप ये कहना चाहें कि वह वर्कआउट के लिए जिम चली गई है तो आप कह सकते हैं शी वेंट टू द जिम फॉर हर वर्कआउट आउट शी वेंट टू द जिम फॉर हर वर्क या अगर आप ये कहना चाहें कि ट्रेन पांच बजे चल पड़ी या चली तो आप कह सकते हैं द ट्रेन स्टार्टेड फाइव ओ क्लॉक अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करें